सहारनपुर में कुछ विभागों में पनप रहे भ्रष्टाचार तथा सामाजिक कुरीतियों सहित धर्म परिवर्तन तथा लव जिहाद जैसी कोढ़ के रूप में फैल रही जन समस्याओं को लेकर महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास अपने काफिले के साथ सीएम उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ से मिलने गोरखपुर उनके मठ पर पहुंची, जहां योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर गौरव महसूस किया तथा महानगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु जन सेविका के रूप में निर्देश प्राप्त किया। सहारनपुर दरबार में पहुंचते ही उन्होंने मीडिया को बताया कि महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुनादास और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा और खड़दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद की कार्यकारिणी। अभी सूत्रों से पता चला है कि आप हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं योगी जी, आप उनसे मिलकर आ रहे हैं और नगर महानगर के लिए आपने कुछ मांगा, कुछ सौगात मांगी, तो थोड़ा बताएंगे जी। हम अपने उत्तर प्रदेश की, भारत की, हिंदुत्व की आत्मा कहे जाने वाले योगी आदित्यनाथ जी के मठ में गए थे गोरखपुर, उनसे मुलाकात करके आए हैं और हमने जो जो मांग रखी थी, हमारी मांग के अनुरूप हम जैसे जैसे रास्ते में आ रहे थे, हम सहारनपुर से 17-18 घंटे 19-20 घंटे लग गए बल्कि हमें पहुँचते, तो इतना लंबा सफ़र तय करके हम उनके पास में गए। वहाँ से हम जो मांगे दे करके आए थे महानगर के लिए और इस प्रदेश के जनपद सहारनपुर के लिए, वो सुनते सुनते हमें इतना ताज्जुब हुआ कि रास्ते में कुछ न्यूज़ ऐसी सुनी हमने कि वो मांग जो है पूरी हो चुकी है, उन पर कार्रवाई एक्शन में लिया जा चुका है। ये तो योगी जी कुछ सभाओं यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं जी, और आपने पहले भी उनसे मिलने का प्रयास किया लेकिन किन्हीं कारणों से आप उनसे मिल नहीं पाए जी। तो आपने एक ऐसा बीड़ा उठाया, ऐसा कदम उठाया कि आप उनके द्वार पर ही पहुँच गए, तो क्या आपके अंदर ऐसी बात है आपने महानगर के लिए, देश के लिए? देखिए, जहाँ इंसान रहता है कम से कम उसके विकास और उसके उत्थान के लिए मनुष्य को सोचना भी चाहिए। यह मनुष्य का चोला बार बार नहीं मिला करता है और हम उस दिव्य आत्मा को भी देखना चाहते थे क्योंकि अब तक हमारा उनके साथ में मुलाकात संभव नहीं हुआ था, ताकि हम उनके सामने केवल उनका दर्शन ही नहीं, हम ये भी रखना चाहते थे कि महानगर की मांगे हैं। इसलिए हमने बीड़ा उठाया कि जो इतनी गंभीर समस्याएँ हमारे प्रदेश में, यदि हमारी जानकारी में कुछ भी होगा, लेकिन योगी जी तक पहुंचना भी तो चाहिए, तो कोई पहुंचाने वाला भी होना चाहिए, तो हम जितना अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, भरपूर हम प्रयास कर सकते करते हैं। आप नेट पर जा कर के सर्च भी कर सकते हैं कि साध्वी सविता जमुनादास सत्य के लिए जीती हैं, मेरी छवि को खराब करने के लिए कुछ तत्वों ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन सत्य की जीत होती है। मैं लगी रही यत्न जतन करके उनका दर्शन करके आई हूँ। योगी जी से क्या आश्वासन आपको मिला? देखिए, योगी जी तो जो भी जाता है उसका भरपूर सम्मान करते हैं और हम वहीं से आए हैं और गुरु पर्व पे पहुँचे थे हम। गुरु पर्व पे उन्होंने गुरु के मंत्र लेकर के गुरु के ऊपर जितना सुंदर आख्यान दिया है, व्याख्यान दिया है और विकास के लिए जो आश्वासन दिए हैं, इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता कि हम आ रहे हैं और नेट के द्वारा हमें पता चल रहा है। हमने ट्विटर पे देखा तो ट्विटर पे भी हमें वो मिला और नेट पे भी सर्च मारा तो जो हमने कुछ कार्य कहे थे, कुछ मांग थी हमारी, उसके उन्होंने एक्शन लिया हुआ है। तो सहारनपुर से आपके साथ और कौन गए थे? हमारे साथ सहारनपुर में ये नितिन कौशिक जी गए थे और शंकर जी गए थे हमारे साथ में। हम लोग सब यतन जतन और प्रयत्न मन में एक विचार ठान करके कि हम अपने मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी से जरूर मुलाकात करके आएंगे। आपने लगभग 2,500-2,500 किलोमीटर की यात्रा की है जी, तो यात्रा के बाद आपको कैसा लग रहा है, मतलब क्या कोई थकान महसूस हो रही है? नहीं, जब आप कहीं जाते हैं और आपका जो मंतव्य है वो पूरा होता है तो व्यक्ति को थकान कहाँ महसूस होती है। उद्देश्य तो हमारा यही था ना कि जो हमारी अपनी कोई समस्याएं नहीं हैं लेकिन जो महानगर की, समाज की जो कुरीतियाँ हैं वो तो हमें अपने योगी जी को बतानी आवश्यक समझी हमने, और इसीलिए जो हमने लिख करके भी वहाँ पर दिया था वो भी हुआ। और वहाँ पर उनकी एक सभा आयोजित हुई थी, उस सभा का भी हम भागीदार बने, वहाँ पर अच्छे से सबका सम्मान हुआ। अभी हम कुछ चैनल्स और अखबार में देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि आप समाज हित में, देश हित में
कुछ ऐसे काम जन समस्या निवारण के तौर पर कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जब हम कहीं पे रहते हैं, ये समाज, मैं अपने आप में अपने आप को पूरा भारत महसूस करती हूँ, मानती हूँ, क्योंकि देश की सेवा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। केवल हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या समस्याएं वहीं तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप अपने किसी भी स्तर तक जा करके किसी भी प्रकार की अराजकता को, किसी भी प्रकार के अराजक तत्वों को और या किसी प्रकार की पीड़िताओं का या विकास के कार्य को स्वयं से कर सकते हैं, तो आपको करना चाहिए। मैं स्वयं को अपने देश का एक नागरिक ही नहीं, अपने आप को कहा कि मैं संपूर्ण भारत मान करके अपने राष्ट्र की नवचेतन इकाई और इसकी सेवा का अपने आप को निमित्त मानते हुए यह सेवाएं करती हूँ। जो ये आप जन समस्या यहाँ पर समाधान उसका करवा रहे हैं, तो शासन प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से आपको कोई? हाँ, शासन प्रशासन की ओर से, योगी जी की ओर से सभी प्रकार का मुझे सहायता मिलती है। जिस प्रकार के पुकार की जाती है, हमारे यहाँ पर जो डीएम हैं और हमारे एसएसपी महोदय हैं, ये लोग भी भरपूर समर्थन करते हैं। हमारा पुलिस प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ में लव जिहाद जैसे मुद्दों में भी हमारा साथ देता है। आज की यात्रा से आपको क्या मजबूती ऐसी नज़र आ रही है जो योगी से मिलकर आए हैं, क्या मतलब मजबूती आपको नज़र आ रही है? देखो, हम लोग अपने देश का निर्माण अपने प्रयत्नों के द्वारा कर सकते हैं, और हर व्यक्ति को चाहिए सनातन धर्म की रक्षा करें और देश में फैली हुई कुरीतियों का और जिस प्रकार के भी असामाजिक किसी प्रकार से कोई कुरूति है या किसी के साथ में कोई अन्याय होता है, तो आप स्वयं मजबूत होकर के खड़े हो जाइए, वह बीमारी नहीं रह पाएगी। क्या तो, आप नारा देना चाहेंगे? जो हमारे बीजेपी का नारा भी है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका सबका ही विकास है, तो और सबको जातिवाद को छोड़ करके एक मंच पे आ जाना चाहिए, क्योंकि यह ऊंची जाति है या नीची, इसका भेद भूल जाइए। केवल एक बात एक स्वर में कहिए कि हम सब हिंदू हैं और हम सब पहले हिंदू हैं, और हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि पुरजोर आवाज़ लगानी चाहिए कि हर दिल की अब एक आवाज़ हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, हर दिल की अब एक आवाज़ हिंदू राष्ट्र। जय हिंद, जय भारत।